की वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि आज की वीडियो में मैं मिलाऊंगी आपको अपने स्पेशल गेस्ट से और वो आप सभी को टिप्स देंगे कि उन्होंने अपना नॉट सेट किस तरह क्वालिफाई किया, वो भी अपने बिल्कुल से स्टडी कर रहे हैं तो उनके लिए ये आपको कुछ टिप्स बताएंगे कि उन्होंने क्या है वो थे वो प्रोसेस की जाएगी तो वो सब उसमें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग टू नॉसेट। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि आज की वीडियो में मैं मिलाऊंगी आपको अपने स्पेशल गेस्ट से और वो आप सभी को टिप्स देंगे कि उन्होंने अपना नॉसेट किस तरह क्वालिफाई किया, वो भी अपने बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो चलिए मिलते हैं अपने स्पेशल गेस्ट से। शी इज तन्वी एंड शी इज बबीता, बोथ आर नर्सिंग ऑफिसर्स इन अ सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो स्टार्ट करते हैं और मुझे पता है जो आपके माइंड में क्वेश्चन है वही सारे क्वेश्चन मेरे पास मेरे लिस्ट में है, सो दैट आपके जितने भी डाउट्स है वो आज की वीडियो में क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले देखते हैं इन्होंने अपनी जो बीएससी नर्सिंग है वो कहाँ से कंप्लीट की है। तो पहले आप बताएंगे आपने अपनी बीएससी नर्सिंग कहाँ से कंप्लीट की है। मैंने एम्स दिल्ली से की है। और आपने? एम्स दिल्ली, आई एम अ बैचमेट। तो इन दोनों ने एम्स दिल्ली यानी कि वी आर बैचमेट्स, सेम हमने सेम बैच था हमारा 2018 में हमने ज्वाइन किया था और 2022 में हमने पास आउट किया है। तो ये था बीएससी नर्सिंग और कह सकते हैं कि एम्स दिल्ली से करने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है। लेकिन चलिए जानते हैं इन लोगों से कि इनके क्या थॉट्स हैं इस चीज को लेके। तो आप मुझे बताएंगे कि आपने अपनी बीएससी नर्सिंग कब कम्प्लीट की थी? 2020। और नॉसेट का एग्जाम कब दिया? 2022। तो 2022 क्योंकि ये सेम बैचमेट है तो इन्होंने भी सेम मेरी तरह ही 2022 में कम्प्लीट किया था। और जो नॉसेट का एग्जाम था हम सबको पता है 11 सितंबर 2022 में एग्जाम हुआ था और आप दोनों ने उस एग्जाम को क्वालिफाई किया था। तो क्या मैं जान सकती हूँ वो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था या सेकेंड अटेम्प्ट था? फर्स्ट अटेम्प्ट था। वेरी गुड, तो दोनों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना क्लियर किया था और जहां तक मैं बताऊँ आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हमारा जो एग्जाम का रिजल्ट आया था वो जुलाई में आया था और एग्जाम नॉसेट का था सितंबर में, ठीक है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप लोगों ने क्वालिफाई किया, तो कोई कोचिंग भी ली थी इसके लिए? नहीं, कोई कोचिंग नहीं ली था इसके लिए, सेल्फ स्टडी किया था। वेरी नाइस। तो एंड में टेस्ट सीरीज भी कोई ज्वाइन की थी? नहीं, दोनों ने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो क्योंकि इन लोगों ने ना कोई कोचिंग ली है ना टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, तो इसका मतलब है इन्होंने अपनी सेल्फ स्टडी की होगी। तो जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उनके लिए ये आपको कुछ टिप्स बताएंगे कि इन्होंने कैसे की। तो सबसे पहले मुझे तन्वी बताएगी कि उन्होंने कौन सी बुक रेफर की थी इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। मैंने टर्निंग पॉइंट यूज की थी, तो टर्निंग पॉइंट में जो क्वेश्चंस थे वो प्रीवियसली बेस्ड क्वेश्चन थे, प्रीवियसली में जो जो क्वेश्चंस आए हैं तो वो थे। ऊपर से उसकी जो एक्सप्लेनेशन थी वो बहुत ईजी थी कि हाँ हमको समझ में आ जाता है कि जो लिखा है वो अच्छे से पढ़ सकते हैं, वो समझ सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं कि हाँ भाई ऐसा पेशेंट को है, ये कॉजेज है, ये रिस्क फैक्टर्स है, तो वो काफी हेल्पफुल है। और साथ में एनक्लेक्स की बुक अच्छी है, उसमें जो कुछ लास्ट अपेंडिक्स जो होती है लास्ट पॉइंट्स में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ऑक्सीजन के बारे में जो रेट वगैरह है किस लीटर पर मीटर से, तो वो सब उसमें काट देना। दोबारा से बोल रहे थे जहाँ पे चला के कट करना है, ठीक है। तो एनक्लेक्स बुक भी मैंने यूज की थी, एनक्लेक्स बुक भी काफी हेल्पफुल है, उसमें जो स्पेशल पॉइंट्स होते हैं जो रेड में लिखा होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं तो वो पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर पूरा नहीं कर पाते हो आखिरी टाइम में आपका कि आपको बस कवर करना है कैसे भी करके, तो जो राइट पॉइंट में जो आता है इंपॉर्टेंट लिखा हुआ वो आप उसको पढ़ सकते हो, वो काफी हेल्पफुल है, वो ओवरऑल थोड़ा बहुत कवर कर देता है एनक्लेक्स में को। ओके, तो इन्होंने सेम वही सारी चीज रिपीट की है। तो एनक्लेक्स और टर्निंग पॉइंट, एनक्लेक्स इन्होंने थ्योरी के लिए यूज की, शायद इन्होंने अपनी पढ़ी नहीं है, एनक्लेक्स कम्प्लीट पढ़ी नहीं थी, बट टर्निंग पॉइंट इन्होंने कम्प्लीट पढ़ी है। और टर्निंग पॉइंट जैसे कि मैंने बताया, टर्निंग पॉइंट में ये था सी यहाँ पे हम कोई बुक का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये चीज आपको क्लियर कर दूं, ये वही सेम चीजें मैं बता रही हूँ या ये बता रहे हैं जो इन्होंने फॉलो की है। तो ये इट्स अप टू यू कि आप क्या फॉलो करना चाहते हो, आप रिव्यू ले सकते हो सारी बुक्स का, देन आप उसको फॉलो करना, ठीक है। ओके, आप हमें मिस बबीता बताएंगे कि इन्होंने कौन सी बुक रेफर की और उस बुक ने किस तरह इनकी हेल्प की कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने नॉसेट का एग्जाम, जिसको लोग 2-3 बार अटेम्प्ट करके कोचिंग लेके भी नहीं क्लियर कर पाते, इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिया। आई रेफर बेसिकली एनक्लेक्स फ्रॉम माई फोर्थ ईयर,
सो बेसिकली मुझे एनटीएक्स ज़्यादा अच्छी लगती थी एस्पेक्ट्स लाइक अदर बुक्स के कंपैरिजन में एनटीएक्स अच्छी है. आपको अगर अपना बेसिक क्लियर करना है और अगर आपको बेसिक नॉलेज लेनी है तो फर्स्ट आपको एनटीएक्स ही पढ़नी चाहिए एज कम्पेरेटिवली टू अदर बुक्स. अगर आपको अपना एमिसिन क्लियर करना है, साइकेट्री, पीट्स, व्हाटएवर यू वांट टू क्लियर, तो मेरा यही था कि एनटीएक्स अच्छे से पढ़ो. एक बार दो बार पढ़ने से नहीं आएगी एनटीएक्स, आप तीन चार बार उसको अच्छे से पढ़ोगे ना, यू विल डेफिनेटली क्लियर नॉट सेट इन अ फर्स्ट अटेम्प्ट. एंड फॉर क्वेश्चंस आई प्रेफर टारगेट हाई. एज सच टारगेट हाई भी अच्छी बुक है, बट अगर आप एनटीएक्स एंड टारगेट हाई दोनों साइड बाय साइड पढ़ोगे तो आपको दोनों ही बेनिफिट्स देंगी. तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि आप टारगेट हाई एंड एनटीएक्स पढ़ो. जोन सी बुक आपको पढ़नी है बस उसको अच्छे से पढ़ो, वो ही आपको नॉलेज देगा. ये ऐसा नहीं कि टर्निंग पॉइंट ही पढ़नी है या फिर इन्होंने कहा तो टारगेट हाई पढ़नी है. जो आपको अच्छा लगता है वो पढ़ो और उसी क्वेश्चन को रिपीट करते जाओ. नए क्वेश्चन नए से नहीं बनते, वहीं से रिपीट होके कोई क्वेश्चन आते हैं. इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप सिंगल बुक प्रिफर करो. हाँ. कलेक्शंस ऑफ बुक्स प्रिफर नहीं करना है कि मेरे को टारगेट हाई, टर्निंग पॉइंट एंड वट एवर बुक्स आर मार्केट, कि मेरे को सारी बुक्स पढ़नी है तभी मेरा क्लियर होगा. आप सब बुक में जाओगे तो आप फंस ही जाओगे सभी बुक में. तो एक बुक लो, कोई सी भी लो, बस उसी को फिर रिपीट करते जाओ, रिवाइज करते जाओ, तो आपको वो काफी बेनिफिट देगी. आफ्टर ऑल दोस्त तो मेरे ही हैं. तो जो जो पॉइंट्स मैंने आपको अपनी वीडियोस में बताया वही सेम चीज ये भी बता रहे हैं, क्योंकि रियलिटी वही है. अगर आप एक बुक को ही एंड तक लेके जाओगे तो आपके माइंड में सारे थ्योरी सब कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और बहुत सारे बुक को लेके उसी में सफल हो जाओगे, तो आपका जो नॉट सेट है ना वो भी सफल हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर चले जाओगे एग्जाम देने के लिए. तो बेटर है आप एक बुक को रेफर करो और उसी बुक को एंटायर ईयर कंटिन्यू रखो. ठीक है, तो जैसे कि आप दोनों ने एम्स दिल्ली से किया है, तो आप कुछ ऐसा है कि एम्स दिल्ली करने से आपको इसमें हेल्प मिली कि आपने नॉर्सेट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिया विदाउट एनी कोचिंग? हाँ, हमें प्रैक्टिकल नॉलेज थोड़ी है, एक्सपोजर ज्यादा है वहाँ पे. वार्ड माना जैसे हर वार्ड में हमारी ड्यूटी लगती थी, तो वहाँ पे जो पेशेंट थे जिनके डायग्नोसिस थे उसको हम पढ़ते थे, तो हाँ हमको काफी थोड़ा बहुत फायदा है. और जो फोटो इमेज बेस्ड क्वेश्चन आती है तो वो इमेजेस हाँ हमने मोस्टली देखी है सारे, क्योंकि एम्स तो ही करते हैं. और जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन है उसके लिए हमें काफी यूजफुल है कि आपने देखा होगा ना काफी सारे इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो वी कैन डायरेक्टली रिलेट फ्रॉम अवर वार्ड सिनेरियोस, तो वो हम इजीली कैचअप हो जाता था हमारा एम्स दिल्ली में, क्योंकि हम वहाँ पे प्रैक्टिकल क्लिनिकल नॉलेज ज्यादा होता है, इसीलिए एक्सपोजर ज्यादा है. पेशेंट के जो डायग्नोसिस हम अलग अलग तरह के मिलते हैं पढ़ने के लिए, तो उससे हमें थोड़ी नॉलेज बढ़ती है, तो वो काफी यूजफुल है. बट इट डजंट मैटर कि हम एम्स दिल्ली से हैं, हम इसीलिए क्रैक कर पाए, इट्स मैटर कि वी वर्क हार्ड फॉर दैट. वी वॉन्ट कि हम फर्स्ट अटैम्प्ट में कर लें, वी डोंट वॉन्ट कि हम पास ऑन ईयर टू ईयर अपना वेस्ट करें. दैट वॉज आर स्प्रिट होल नर्सिंग एंड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ नॉर्सेट. ओके, इस वीडियो से मुझे लगता है कि आपके अंदर थोड़ा बहुत मोटिवेशन तो आया होगा. सी, दोनों ने बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया है और ऐसा नहीं है कि इन दोनों ने किया, हमारी क्लास में हमारे बैच में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया था. तो ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए स्पेशली लेके आई हूँ जो मुझे बार बार कमेंट्स में करते रहते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं किया होगा, ये तो झूठ है. और कुछ लोगों के ऐसे भी रिस्पॉन्सेस आते हैं कि 80:20 का रेशियो था इसलिए हम नर्सिंग ऑफिसर बन गए. तो उनको मैं बिल्कुल क्लियरली बता दूं, 80:20 का रेशियो ना उनके लिए मैटर करता है जिनकी रैंक बहुत ज्यादा हाई होती है और जिनका सिलेक्शन सिर्फ उस रेशियो की वजह से होता है. हमारे रैंक्स जो होते हैं ना वो अंडर 500 है. ठीक है, तो अंडर 500 रैंक में आपको किसी रिजर्वेशन या कोटा की जरूरत नहीं पड़ती, आपको डायरेक्ट आपका जो एडमिशन है वो डायरेक्ट आपके रैंक पे बेसिस पे हो जाता है. तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है. तो एट द एंड इस वीडियो को अगर कंक्लूड किया जाए तो एक ही चीज सामने आती है, वो ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना ही होगा और कोई अदर ऑप्शन नहीं है, कोई अदर एस्केप नहीं है कि आप बिना पढ़े इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो. एम्स दिल्ली से करने का बेनिफिट जो था वो ये बेनिफिट है कि जो एक्सपोजर है, क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उसमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है क्योंकि आपने एम्स दिल्ली से किया है. अदरवाइज आपने किसी भी कॉलेज से बीएससी नर्सिंग की है ये मैटर नहीं करता, इट डिपेंड्स ओनली ऑन यू कि आप जो अपनी स्टडी है वो किस तरह से कर रहे हो. सी, अगर आप हार्डवर्क करोगे तो उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा, लेकिन आजकल के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ना हार्डवर्क से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्मार्ट वर्क. तो अगर आप हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको आपका गोल अचीव जरूर होगा. तो आई होप आपको मेरे गेस्ट से मिलके बहुत अच्छा लगा होगा और इन्हें भी आपको आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा है. और अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही वीडियो और ऐसे ही आपको एक्सपीरियंस
शेयर करती रहूं मैं, तो प्लीज इस वीडियो को आगे शेयर करना, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, कमेंट ऑल्सो। बाय 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 बाय।